प्रतापगढ़ पुलिस को समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस की टीम ने 25,000 की इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को हिस्ट्री शीटर बदमाश के नगर कोतवाली के भुलियापुर में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने बदमाश को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की और इस दौरान बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बदमाश गुलफाम के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और पल्सर बाइक बरामद की। जैसा कि आप अवगत हैं कि विगत कई दिनों से प्रतापगढ़ में अपराधी सक्रिय हैं और उनकी गिरफ्तारी और धरपकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा एक अभियान चलाया गया है। उसमें हम अनेकों टीम बनाकर के उनके घरों पर, उनके रहने वाले ठिकानों पर निरंतर दबिश दे रहे हैं। इसी क्रम में आज कोतवाली नगर के अपराध संख्या 990/2020 का एक वांछित अपराधी है गुलफाम, और यह इसकी निरंतर तलाश की जा रही थी और इसके ऊपर गैंगस्टर एक लगा था और थानाध्यक्ष अंतु द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी और विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ कि यह शहर में कहीं भ्रमणशील है, तो जहां पर रहने वाले ठिकानों पर दबिश दी गई पुलिस टीम के द्वारा, तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। तो आत्मरक्षार्थ तो हमारी पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेर लिया और इसको पकड़ने का प्रयास किया और ललकारा भी, और यह बदमाश जो है दौराने मुठभेड़ घायल भी हुआ है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है और एक तमंचा बरामद हुआ है, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके साथ जो अन्य साथी हैं वो भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें लगी हुई है। उधर फरुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी। बताया जा रहा है कि बदमाश गुड्डू किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के इरादे से आया था, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को वारदात को अंजाम देने से पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आज अमलापुर मोड़ चिलसरा रोड पर मुखबिर की सूचना पर मऊ दरवाजा कोतवाली प्रभारी तथा SOG टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चिलसरा की तरफ से 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया, तो वे दाहिनी तरफ मोटरसाइकिल लड़खड़ा कर गिर गई, भागने लगे। जैसे ही पुलिस पास में जाने का प्रयास किया तो एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर दी गई, तो जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। बाकी दोनों आदमी वहाँ से मौके से भाग गए। घायल व्यक्ति का नाम गुड्डू सनो पसगर है, जिसको तत्काल अस्पताल में भिजवा दिया गया। इसमें फायरिंग में हमारा एक सिपाही राहुल भी घायल हुआ है। इसको अभी तक दोनों आरोपी और सिपाही को कहाँ भेज दिया गया? लोहिया अस्पताल, तत्काल उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर मुकदमे नहीं है अभी, इसके बारे में जानकारी नहीं। घायल था, तत्काल उसको अस्पताल भिजवा दिया गया। बाकी की आगे की जानकारी करने के बाद में आपको सभी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही पुलिस ने बदमाश के साथियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा और फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।